फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा आज लेट उठा था। मतलब लेट क्या उठा था, थोड़ा काम लेट हो गया। तो मैंने अभी तक जो सामान खरीदा है वो है 80 रुपये की चौमिन, और क्या बोलते हैं, 102 रुपये का मैदा अरारोट, 140 रुपये का मेरा रुचि गोल्ड और मिर्चा है, 20 रुपये के टमाटर आए हैं, और ये 1150 रुपये का मैंने सिलेंडर आज लिया है। ये सिलेंडर मुझे मतलब भरवाया है, ये मुझे पड़ा है अभी। आज मैंने व्लॉगिंग वगैरह कुछ चालू नहीं करा था, तो अभी चालू करा है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब काम भी पहले करना पड़ता है। तो मेरा मैदा लग चुका है और एग रोल की रोटी बन चुकी है, 20 रोटियां बनाई हैं, चाउमीन 2 पैकेट उबाल लिए, चटनी उबाल लिए, अभी बनाएंगे हम स्प्रिंग रोल की रोटी, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे चलता है आज का काम। ये हमारी 20 रोटियां, ये हमारी चटनी उबल चुकी है, और ये है हमारी चौमिन उबल चुकी है। फ्रेंड्स, हम दुकान पे आ चुके हैं, दुकान खोल ली, अभी दुकान अंदर मैं सेट करूँगा, उसके बाद मैं। फ्रेंड्स, सेट होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है मेरी दुकान। ये फ्रेंड्स रात का व्यू है। फ्रेंड्स, चौमिन चिली पटाटो तो बचे, तो लेकिन 18 मेरे एग रोल बिक गए और 6-7 स्प्रिंग रोल बिक चुके हैं। घर चलते हैं और देखते हैं कितने पैसे हुए हमारे। फ्रेंड्स, कल कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी तो मेरी वीडियो अच्छे से हो नहीं पाई। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कल का मेरा क्या क्या सीन था। कल मैंने 1150 रुपये का एक सिलेंडर लिया था, उसके बाद जो है सिलेंडर का तो पैसा खैर आगे पीछे होता रहता है, 10 दिन मेरा चलता है तो 100-100 रुपये हो जाते हैं, 11 दिन आप मान लो 100-100 रुपये करके। तो एक सिलेंडर लिया था, उसके बाद मैंने अपना क्या बोलते हैं 80 रुपये की चाउमीन, 104 रुपये का मैदा आरा रोट लिया, 150 रुपये में मेरा एक पैकेट रुचि गोल्ड और 100 ग्राम मिर्च आई थी, हरी वो लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च चटनी के लिए, 20 रुपये के टमाटर थे, 125 रुपये में मैंने जो है अपना डिस्पोजल का सामान खरीदा था जिसमें मेरी पन्नियाँ थी और वो कांटे थे, वो 90 रुपये की पन्नियाँ पड़ी थी और 35 रुपये के कांटे पड़े थे। और इसके बाद मेरा जो है एक क्रेट अंडा पड़ा था जो कि मेरा 190 रुपये का था, क्योंकि अभी थोड़ा सा पैसा बढ़ रहा है अंडे का। और उसके बाद मेरा जो है अंडे के बाद 205 रुपये की सब्ज़ी आती है, अगर मैंने बताई ना हो। मेरी सेल हुई थी 1630 रुपये की, तो ये करीब 860 रुपये हो गए मेरे, 1630 रुपये की सेल हुई थी जिसमें 100 रुपये मेरे ख़राब से निकल गए थे। तो वो ख़राब वाले पैसे तो यार मैं किसी को दे नहीं सकता, तो वो मेरा ही नुकसान है। तो 1530 रुपये की सेल मान लो, और 860 रुपये, 60, अब 500, अच्छा तो 700, तो 500 मतलब 580 रुपये की करीब मेरी प्रॉफिट कल का हुआ है।